हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर राहुल शर्मा हूं एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट नारायणा हॉस्पिटल जयपुर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जो अभी जो विश्व वैश्विक महामारी फैली हुई है कोविड नाइन्टीन के बारे में कोविड नाइन्टीन जैसे कि आपको पता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है जनरली एरोसोल फॉर्म में तो इसमें सबसे बड़ी जो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए वो है कि हम जो इसमें सबसे एट अ पर्सनल लेवल क्या कर सकते हैं मरीज़ क्या कर सकता है या आम एक इंसान क्या कर सकता है वो होता है बचाव क्योंकि कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बचाव तो बचाव में नंबर वन होता है वो है अपन एक तो दूरी बनाए रखें लोगों में दूरी बनाए रखने से ये होता है कि अगर अपन घर में भी हैं एक सर्टेन दूरी बनाए रख रहे हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाती हैं नंबर टू एडिक्वेटली हाथ वॉश करें हैंड वॉश के लिए अपन सोप वाटर अगर कोई अपने पास सैनिटाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो नॉर्मल सोप वाटर डिटॉल सेवलॉन इन सब से कर सकते हैं और अच्छे से रगड़ के करें ताकि पूरा आपका आगे पीछे ये पूरा साफ़ हो जाए तीसरा और मेरे समझ से एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है वो है ये मास्क अब आइडियली तो देखिए सबको ये एन नाइन्टी फाइव मास्क पहनने चाहिए बट सबको ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही माने कि एन नाइनटी फाइव मिले तभी हम पहनेंगे नहीं आप सिंपल सर्जिकल मास्क भी जो एक होते हैं वही लगाएं जब आप जब तक ये कोविड फैल रहा है तो वही पहन के निकलें सरकार ने भी यही दिशा निर्देश दिए हैं कि घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें मास्क पहनने के दो बेनिफिट्स हैं अगर आपको कोविड है तो एक तो आपसे दूसरे को फैलेगी नहीं तो एज अ होल पूरी सोसाइटी इससे लाभान्वित होगी और आपको नहीं भी है तो दूसरे से लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं तो वो कीटाणु जो होते हैं वो आपके अंदर जाने के मैक्सिमम जो चांस होता है वो होता है या तो आपके नोस्ट्रिल से नाक से या आपके मुंह से या फिर आपके आइस से तो आप दूसरे से हाथ भी कम से कम मिलाएं एंड uh, हाथ से दूसरे से तो नहीं मिलाएं ना ही अपना हाथ मुंह या नाक पे लगाएं और अगर अपने को बहुत ही अर्ज आ रही है कि भाई नहीं तो अपने अपन नॉन डोमिनेंट हैंड से ही ज़्यादा काम करें मतलब लेफ्ट हैंड से काम ज़्यादा करें बल, बल्कि राइट से तो आप जैसे दरवाज़ा खोल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा करें लेफ्ट हैंड से ज़्यादा उसको करें तो ताकि आपने बाई चांस लगा भी लिया जो आपका दाना हाथ है उस पर किटाणु अगर हों भी तो लेफ्ट हैंड में हो राइट हैंड से आपको नहीं लगेगा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है इम्यूनिटी की हमने देसी तरीके में भी देखा हुआ है कि भारत में हम टाइम मेमोरियल से इम्यूनिटी बढ़ाने की खान पान में जैसे विटामिन सी होती है चवनप्राश होता है ये सब अपन प्रमोट करते हैं तो इस समय में ये ज़रूरी है कि ये अपन लेते रहें खा अच्छी नींद लें जिससे कि अपने की अपनी इम्यूनिटी बरकरार रहें बरकरार रहे तो ये जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी उतनी ही अपन इस कोविड नाइन्टीन से फाइट आपकी बॉडी कर पाएगी चौथी बात आती है वो जो कि ऑलरेडी मरीज़ हैं किसी ना किसी चीज़ के इन जैसे कि हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या बुज़ुर्ग हैं पचपन साठ साल के इनके साथ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो इनको कोशिश करें कि ये बाहर कम से कम निकलें खासकर ऐसे समय में जब कोविड 19 इतना फैला हुआ है और इवन आफ्टर लॉकडाउन अगर ख़त्म भी जब भी हो रहा है तो क्राउडेड प्लेसेस में ऐसे लोगों को कम से कम जाना चाहिए और अगर जाना भावी है रुक नहीं सक रहा है तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर मास्क ज़रूर पहना के भेजें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एक कई आ, लोग ये पूछते हुए इसमें आ रहे हैं कि क्या हमें एक सर्टेन दवाइयाँ होती हैं जिसको हम एस सिनेबिटर्स कहते हैं क्या हमें रोक देनी चाहिए क्योंकि एक थ्योरी आई है कि इससे आपको कोविड नाइन्टीन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी गाइडलाइंस हमें आज तक प्राप्त हुई हैं चाहे वो यूरोपियन गाइडलाइंस हो चाहे वो अमेरिकन गाइडलाइंस हो चाहे वो अपने इंडियन गाइडलाइंस हो उन्होंने किसी भी दवा के लिए डायरेक्टली ऐसे बंद करने के लिए निर्देश अभी तक नहीं आए हैं और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर से पूछे हुए बंद ना करें तो ये अगर अपन चार पाँच चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपको चांस ऑफ कोविड नाइन्टीन मतलब कोई भी संक्रमण होने की चांस काफ़ी कम हो जाए दूसरा ये है कि हम ये और देख रहे हैं कि कोविड 19 के डर से अगर आपको हृदय में दर्द भी हो रहा है तो बहुत सारे मरीज अस्पताल नहीं आ रहे हैं ये बहुत गलत बात है आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएँ वहाँ पे ई करवाएं वहाँ के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे आपको हर जगह डॉक्टर्स मिलेंगे हर जगह जहाँ भी, भी आप किसी भी प्रांत में हैं वहाँ पे आप ईसीजी करवाएं और यदि आपको वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हाँ यदि हार्ट अटैक आया हुआ है कि या फिर आपको हाइयर सेंटर्स में जाने की आवश्यकता है तो प्लीज़ इस कोविड 19 के डर से कि हम बाद में चले जाएंगे ना ऐसा ना करें ज़रूर जाएं और अपने अगर आपको हृदयघात है या हार्ट अटैक है तो उसका इलाज लें हर हॉस्पिटल इंडिया में खुला हुआ है आपके लिए कोविड नाइन्टीन का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ साथ की जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज होना बंद हो गया है यह आप कृपया ऐसा ना समझें कोविड 19 तो है ही अपनी जगह बट उसकी साथ में अगर आपको और बीमारियां भगवान न करे वो हार्ट अटैक हो रहा है तो पर उसके लिए आप घर पे ना बैठें ये जो आपको मैसेज है ये ज़रूर समझ में आना चाहिए थैंक यू